भाषा, क्योंकि इस प्रदेश का निदेशक हर तारीख को बड़ी गंभीरता से, बड़े इंतजार से, बड़े कौतूहल से, बहुत आशाओं के साथ उसको देखता है। 11:30 बजे का टाइम था, तो पिछली डेट पे उत्तर प्रदेश के अटॉर्नी जनरल जी के लिए डायरेक्शन थे कि वो अपनी चीजों को सबमिट करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, क्योंकि अपील उनकी तरफ से है पिछले ऑर्डर के अनुदेशकों के खिलाफ। तो अपील में उन्हें पिछली डेट पे बुलाया गया था, फाइन भी हुआ था, तो फाइन भी जमा कराया गया था, पिछली डेट पे उन्हें रहने के लिए था। तो 11:20 तक तो अटॉर्नी जनरल साहब थे, मैं मिला, जब मैं गया कोर्ट में तो मिला उनसे, दुआ सलाम हुई, पास पास में बैठे थे हम, मैं और अटॉर्नी जनरल दोनों पास पास में बैठे, बात हुई, फिर उनके पास थोड़ी देर में उठ के चले गए 11:20 पे। 11:30 बजे सुनवाई थी, हमें लगा कि अभी आ जाएंगे, लेकिन 11:30 बजे जब सुनवाई शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल साहब नहीं थे। कोर्ट ने बड़ा सख्त नाराजगी में कहा, कहाँ है एजी साहब, बुलाइए उन्हें, क्यों नहीं है, पिछला ऑर्डर क्या था, पिछला ऑर्डर निकलवाओ। तो थोड़ा मुश्किल से पिछला ऑर्डर मिला, कोर्ट स्टाफ ने निकाल के दिया, और ऑर्डर निकाल रहे थे, लेकिन उन्हें वो ऑर्डर चाहिए था जिसमें पेश हुए थे, फाइन भी हुआ था, फाइन जमा करने का ऑर्डर था, उसमें पिछली बार अपीयरेंस भी थी, एजी साहब मैं था और एजी साहब थे। तो उसमें जब नहीं पेश हुए तो ऑनरेबल चीफ साहब सख्त हुए, सख्त लहजे में उन्होंने कहा, क्यों नहीं है, क्या उन्हें पता नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एएलपी मिश्रा तो जुड़े हुए थे, लेकिन कोर्ट यहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद, वो लखनऊ से जुड़ते हैं बीसी से, तो यहाँ और पेश हुए एडवोकेट, उन्होंने कहा हम है उनकी तरफ से, हम है उन्हें ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ नहीं, ये चीज आप कहा उन्हें बुलाइए, उनको सामने लाइए, बुलाइए। तो उन्होंने कहा 2 से 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसमें बुलाइए, तुरंत बुलाइए आप। फिर मैसेज भेजा गया, मैटर अटेंड हुआ, दूसरा मैटर सुनने लगे, तब तक एक आगरा का मैटर था बंदरों को लेके, उस पर तो उस पर सुनवाई होती रही। फिर आ गए थोड़ी देर बाद एजी साहब आ गए, फिर एजी साहब पेश हुए, हम लोग भी थे। तो अनरेबल कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में कहा कि क्यों नहीं, क्या वो, फिर अपोलॉजी, पहले भी एजी साहब ने बहुत अपोलॉजी की, क्षमा याचना, माफी मांगते हैं, अपोलॉजी हम दे रहे हैं, फिर अगेन एंड अगेन अपोलॉजी दे रहा हूँ और ये कर रहा हूँ कि मेरे पास फाइल नहीं पहुंच पाई मैं। उन्होंने कहा मैं आप चार्ट बना के दीजिए, यूनियन ऑफ इंडिया अपना दे चुकी है, यूनियन ऑफ इंडिया में पिछली आपको याद है शिव कुमार मिश्रा जी, हमने पूरा काउंटर एफिडेविट आपके दर्शकों को दिखाया था, काउंटर एफिडेविट में 2017-18 का अमाउंट जो केंद्र सरकार ने दिया था, 18-19 में दिया था, 19-20 में दिया था, एसएस अमाउंट, मतलब जितना खर्च नहीं हुआ उससे अधिक वहां दे रखा है, वहां उनके पास उससे अधिक था, जमा है आपके पास। तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको क्यों नहीं दिया, इसमें इन्हें पेमेंट क्यों नहीं दी गई, देना चाहिए था, जरूरत ही नहीं थी अपील माने की। तो ये सब चीजें हुई, तो जज साहब ने फिर उन्हें डांटा, फिर वो अपोलॉजी अब दे दीजिए, अब लास्ट अपॉर्चुनिटी, आखिरी अवसर दे दीजिए मुझे, ये ऐसा मैं कर दूंगा, बैठ के इनके साथ डिस्कस करके फाइल लेके चार्ट लेके बना के आपको पूरा चार्ट दूंगा, पूरा सब कुछ करूंगा, कन्विंस करूंगा, अब ये मौका दीजिए मुझे। तो फिर कोर्ट ने, उन्होंने तो कहा कि हमें जल्दी से जल्दी हम दे देंगे, लेकिन कोर्ट ने हमने तो उसमें कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया का देख ले, उसमें ऐसे अमाउंट है, बाउंड है, पैसे की कोई कमी नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार यही ग्राउंड लेती थी, पैसे नहीं हमारे पास, फंड नहीं है, फंड तो है शिक्षा विभाग के लिए, सर्व शिक्षा अभियान के तहत फंड है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिया गया 60% और 40% दिया गया, 60% में से ही बचा हुआ है, 40% की तो बात छोड़ दो कि राज्य के पास कितना पैसा उसको विषय को हटा दो, तो 40-60% है, उसी 60% में से अनुदेशकों की सैलरी निपट जाएगी, उन्हीं में से सब कुछ निपट जाएगा, उतने पैसे में से निपट जाएगा, 40% तक की हमें जरूरत नहीं है, देने पे आ जाए। तो लेकिन ये सब बात हुई,
कोर्ट ने डांट फटकार। अब हरी कोर्ट में चीफ साहब की कोर्ट हो और अटॉर्नी जनरल उत्तर प्रदेश के सरकार के महाधिवक्ता है, ऑन बिहाफ ऑफ सरकार पेश हो रहे हैं, सरकार की तरफ से वही प्रतिनिधि है, जो कुछ कहा जा रहा है, माफी मांगी जा रही है तो सरकार की तरफ से माफी मांगी जा रही है, अगर माफी मांगी जा रही तो शिक्षा विभाग के द्वारा माफी मांगी जा रही है, अगर माफी मांगी जा रही तो अपील में वही आए, उत्तर प्रदेश सरकार आई तो उनकी तरफ से माफी मांगी जा रही है, पिछली गेट पे फाइन भी हो चुका है और उसके बाद भी ये सब हुआ। अब फिर कोर्ट ने उनको कहते हुए कि ठीक है अब आप हमें दे दीजिएगा जिससे हम इसको आगे कर सकें, प्रोसीड कर सकें, क्योंकि अनलेवल कोर्ट सब कुछ देख चुकी है, उन्होंने कहा सब समझ लिया, सब देख लिया, अब आप हमें रिटर्न में चार्ट दे दीजिए कि पैसा जो आया था उसका आपने क्या किया, अगर किया तो इन्हें क्यों नहीं मिला, ये दे दी, बस इस पर बात होके जी 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 बड़ा, और उसके बाद सवाल है तो कोर्ट का कि जो पैसा आया वो गया कहाँ, कोर्ट